पटना का मासूम अयांश स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी नामक दुर्लभ व गंभीर बीमारी से पीड़ित है। उसके इलाज के लिए जो इंजेक्शन चाहिए उसकी कीमत 16 करोड़ रुपए से अधिक है। अयांश के माता पिता बच्चे के इलाज के लिए इतनी बड़ी रकम जुटा पाने में सक्षम नहीं है। ऐसे में उनकी मदद के लिए कई हाथ आगे बढ़े हैं, लेकिन पर्याप्त धन अभी तक नहीं जुट सका है। इसी सिलसिले में आज पत्रकारों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछे। देखिए क्या बोल रहे हैं नीतीश कुमार। तबीयत खराब है उसकी, उसको 16 करोड़ रुपए का टीका लगना है, क्या सरकार इस बार? सुने हैं। अब आप तो समझ ही सकते हैं इसके बारे में। तो सब लोग सहायता कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं मदद करिए, लेकिन सरकार की कोई स्कीम? आप जानते हैं कि हम लोग मैक्सिमम मदद देने का जो स्कीम बनाए हुए हैं सबको मालूम है। तो ये सब लोग अपने अपने ढंग से सहयोग करेंगे, चाहे कितनी बड़ी राशि की आवश्यकता। तो इसलिए उस स्थिति में तो सब लोग चारों तरफ से कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा सब लोग मदद करेंगे तो बच्चे के लिए कुछ हो सकता है फायदा। ये मंडल कमीशन के कई रिकमेंडेशन थे, एक महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन रिजर्वेशन, वो तो लागू हुआ 90 के दशक में। अब मांग उठ रही है कि बाकी जो रिकमेंडेशन है उसको भी लागू किया जाए, इसके लिए प्रयास हो रहा है, मांग उठ रही है। ये तो गवर्नमेंट का काम है, वो देखें। लेकिन जो उसके अंतर्गत जो मुख्य चीज़ थी रिजर्वेशन का, वो तो हुआ। लेकिन इसके अलावा और जो कुछ भी करना है गरीब गुरबा तबकों के लिए, उसके उत्थान के लिए जो कुछ भी करना है, उसको तो देखने वाली बात है। और जहाँ तक देख लीजिए राज्य में हम लोगों ने कितना ज़्यादा सुविधा दी है सबको। आप देख रहे हैं ना कि बिहार में हम लोगों को जब से बिहार की जनता ने मौका दिया है तो किस तरह से हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए विशेष तौर पर कितनी योजना। काम सबके लिए करते हैं लेकिन इन लोगों के लिए विशेष योजना, महादलितों के लिए, दलितों के लिए, सबके लिए जो हम लोगों ने योजना बनाई है, तो सबके और शिक्षा के लिए, लोगों की प्रगति के लिए, विकास का काम, हर चीज़ के लिए तो हम लोग कर ही रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.